Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक UGC नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट का एक नया पोर्शन है जो ऐड हुआ है आपके सिलेबस में और इसीलिए मोस्ट लाइकली है कि उससे एक क्वेश्चन जो है वो जनरली फ्रेम हो जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल मॉडर्न ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए और अगर एग्जामिनर आपसे कोई एड मेंशन कर देता है तो आपको ये बाइफर्केट करना आना चाहिए कि ये जो एड जिसकी बात हो रही है टीचिंग में ये ट्रेडिशनल है या ये कोई मॉडर्न या ICT बेस्ड टेक्निक है या लर्निंग की कोई एड है या कुछ इस तरह का इक्विपमेंट है जो ICT से रिलेटेड है, तो ये डिफ्रेंशिएशन करना को आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, समझते हैं ये टर्म्स क्या बता रही है। ये देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इजी लैंग्वेज में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वही सारे टीचिंग एड्स होते हैं। क्या होते हैं? वही सारे टीचिंग एड्स या इंस्ट्रक्शनल एड्स जो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन के दौरान हेल्प करने वाले एड्स या मैं जो आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ टीचिंग कर रही हूँ क्लासरूम में उसमें मेरी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने जो एड्स यूज किए उनको ही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। अनदर नेम आप बोल सकते हो टीचिंग एड्स का है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम TSS जिसको बोलते हैं। और मुझे अपनी क्लास को कितना वाइब्रेंट करना है, कितना इंटरेक्टिव करना है, कितना अंडरस्टैंडिंग करना है, कितना बच्चों को उसमें ग्रास्प करके रखना है, एंगेज रखना है, उसकी मदद के लिए मैं जो भी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर वो चाहे PPTs हो, चाहे चार्ट्स हो, चाहे क्ले मॉडल्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हूँ, तो ये सारे ही चीजें क्या हो जाती हैं? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ब्रॉडली इसकी डेफिनेशन यही है। देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज टीचिंग एड इज समथिंग द टीचर यूजेज इन देयर क्लास टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव रीडिंग एंड अदर स्किल्स। और एक और क्या होता है, लर्निंग क्या हो जाती है, इट बिकम्स फन, इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आप किसी सपोर्ट सिस्टम की या किसी एड की मदद से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। अब वो एड्स क्या हो सकते हैं, वो चॉकबोर्ड, बुक, पेंसिल, मार्कर, ग्लोब, मैप, DVD, कंप्यूटर क्लिप, कुछ भी हो सकती है अपने क्लासरूम को एनलाइव करने के लिए, अपने क्लासरूम में लाइवली एटमॉस्फेयर लाने के लिए। तो जेनरिक डेफिनेशन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की ये हुई। एक इंपॉर्टेंट कोट मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट जिसमें कि लिखा है कि टीचिंग एड्स जो होते हैं वो टीचर्स को एड करने के लिए, एड का मतलब बेटा होता है हेल्प, असिस्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन कोई भी टीचिंग एड कम्प्लीटली टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। मान लीजिए आप सोचें कि आज मैं एक मूवी या डॉक्यूमेंट्री से ये पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो अल्टीमेटली उस टीचिंग एड्स को सपोर्ट करने के लिए टीचर का कंक्लूजन, टीचर का वैल्यू एडिशन क्लास में बहुत ज़रूरी होता है। खाली टीचिंग एड पर डिपेंडेंट होके जो है टीचिंग नहीं पॉसिबल होती। हाँ, टीचिंग एनहांस ज़रूर होती है टीचिंग एड्स की मदद से। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस वही है जो मैंने अभी आपसे बोली, इनको पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं क्या है इसके इम्पॉर्टेंस। मोटिवेशन, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही मोटिवेटेड रहते हैं। कैसे? टीचर मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसको अपनी क्लास को प्रिपेयर करना है, अपने लेक्चर को उन चीज़ों को यूज़ करके प्रिपेयर करना है, वो एक मोनोटोनस लेक्चर नहीं होता, इस वजह से वो टीचर मोटिवेटेड रहता है। बच्चे किस लिए मोटिवेटेड रहते हैं? बच्चे इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं बिकॉज दे लुक फॉरवर्ड टू न्यू टीचिंग टेक्निक्स। टीचर आज क्या क्लास में यूज कर रहा है इस चीज को समझाने के लिए, किसी मोनोटोनस या बोरिंग टॉपिक को या कोई साइंस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक को समझाने के लिए, तो वो क्या होता है, बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए और टीचर अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। सो ओवरऑल इट्स अ मोटिवेशनल एक्सरसाइज टू यूज सम काइंड ऑफ टीचिंग एड और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम।
क्लैरिफिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चीजें क्लैरिफाई होती हैं अगर आप कोई एड यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था उस दिन आप किसी ज्योग्राफिक टेरेन के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं, एंड इफ यू आर यूजिंग अ मैप तो ज्यादा अच्छे से बच्चा समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल और बात करूं तो मैं आप ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी समझा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहे हैं, टूथ की आप जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों को समझा रहे हैं, तो उसको अगर आप पिक्चर्स के फॉर्म में या फिर किसी वीडियो क्लिप से समझाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज टीचिंग एड्स में हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी कराते हैं बच्चों को, हम वर्कशीट्स हो गई तो वो भी एक तरह का टीचिंग एड है, तो बच्चों को रटना की जो आदत होती है उससे वो ऊपर उठते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं टीचिंग एड्स की मदद से। वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, उनके बोलने में अच्छे वर्ड्स को यूज करना, स्पेसिफिक रेलिवेंट बातें करना क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो शामिल हो जाता है। क्लासरूम बिकम्स मोर एक्टिव एंड लाइवली, फन वापस आ जाता है क्लासेस में, एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब आप कोई चीज़ किसी एड की मदद से सीख रहे होते हो तो यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट थिंग, आप उस चीज़ को सामने समझ रहे हो, ग्लोब आपके सामने पड़ा है, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का क्ले मॉडल आपके सामने है, सो यू आर हैविंग अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद दैट थिंग, तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं आप अपनी आँखों से देख रहे हैं समझ रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपको एक डायरेक्ट एक्सपोजर होता है चीज़ों के साथ, और फिर क्या होता है अल्टीमेटली जो अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स की वो बेहतर होती है। तो ये कुछ जेनरिक इंपॉर्टेंस है टीचिंग एड्स की, वही स्लाइड में लिखी हुई थी। अब आते हैं हम अपने टीचिंग एड्स का बाइफर्केशन। देखिए दो चीजें हैं, एक टॉपिक है आपके इसमें जो टीचिंग एड्स का है, जिसमें कि मैंने बहुत सारे एड्स इंक्लूड किए हैं कि किस कितना वाइड स्प्रेड एड्स आजकल हमारे पास टीचर्स के पास अवेलेबल हैं क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए। इस टॉपिक में जो टीचिंग एड्स की वो बात कर रहा है उनको बाइफर्केट कर रहा है इन तीन कैटेगरीज में, जो आपके सिलेबस पे नई ऐड हुई है और तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि जो टीचिंग एड्स हैं, अब टीचर्स जो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लेक्चर के लिए, उनको भी तीन कैटेगरीज में बाइफर्केट किया गया है। पहला ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, के पहले हमारे पास क्या चीजें थी, और क्योंकि रीसेंट चीजों से आपको अपडेट होना चाहिए तो नए जो सिस्टम्स आए हैं जनरली मॉडर्न और आईसीटी को क्लब करके यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम्स हैं अल्टीमेटली उनमें कुछ ना कुछ इंटरनेट और इसका टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी बाइफर्केट करेंगे हम इस क्लास में, हम समझेंगे कि इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। तो ये तीन कैटेगरीज के नाम हैं, एक एक करके इनको क्विकली पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड का ये है कि अगर एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या स्टेटमेंट फॉर्म करके पूछता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसमें जो एड्स यूज होते थे वो क्या थे, तो उससे पहले ट्रेडिशनल वर्ड को यूज करने से पहले अगर वो इनमें से कोई वर्ड यूज करता है, जैसे कि बैक टू बेसिक्स, कन्वेंशनल एजुकेशन, कस्टमरी एजुकेशन एंड चॉक एंड टॉक मेथड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब नाम ट्रेडिशनल एजुकेशन के ही हैं। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ, वो जो हमारी कन्वेंशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो कि क्लासरूम के अंदर होती है उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। यानी कि इतने सालों से जो हम स्कूल की परिभाषा या स्कूल को विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक क्लासरूम है उसमें एक टीचर है और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एंड शी इज जस्ट टेकिंग हर क्लास, शी इज गिविंग सम काइंड ऑफ लेक्चर एंड स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड शी इज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड दे आर टेकिंग द नोट्स एंड लेटर दे हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये नॉर्मल तरीका है किसी स्कूल में जो फॉलो होता था उसे ट्रेडिशनल एजुकेशन कहा जाता था, और आप इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि ये मेथड था एजुकेशन का जो काफी सालों तक रहा, तो इसके लिए एड क्या होते थे, ब्लैकबोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, और क्या हो गया, इतने तक ही सीमित थी चीजें जो थी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी जो आप अगली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन इसको रिलेट आई एम श्योर अब आप कर पा रहे होंगे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो हमारी नॉर्मल वन वे एजुकेशन जिसे कहा जाता है, जिसमें सिर्फ टीचर सेंटर होती है जो, और जिसमें कि बड़ा ही रिजिडनेस और स्टैटिक फॉर्म होती है, जिसमें मोनोलॉग होता है, जिसमें बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं टीचर बोल रहा होता है उसे बोला जाता है। और अगर इन पांच नामों में से कोई भी नाम आपके सामने आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एड की बात कर रहे हैं वो जो एड मुझसे पूछा गया है, मान लीजिए आपसे कोई ब्लैकबोर्ड जैसी चीज पूछी गई है, तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है अगर ट्रेडिशनल वर्ड यूज नहीं भी करता तो भी। आगे देखते हैं, इट्स एन ओल्ड फैशन वे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कि मेमोराइज करना, रोट लर्निंग जो थी उसका प्रोसेस फॉलो होता था, बोल बोल के चीज़ें याद कराई जाती थी, और फोकस क्या था टीचर का,
सिर्फ ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन टीचर्स एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि शी हैज टू जस्ट कंडक्ट अ लेक्चर एंड शी हैज टू फिनिश हर सिलेबस सो दैट शी कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड बाय द एंड ऑफ द टर्म स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर इट. पढ़ाई का पर्पस एग्जाम क्लियर करना होता था ट्रेडिशनल एजुकेशन में. ये था ट्रेडिशनल एजुकेशन का बैकग्राउंड. और अब देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम थे वो क्या क्या होते हैं. ये वही बातें रिपीट हो रही हैं, एक बार और देख लेते हैं. टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल क्लास, टीचर क्लास को कंट्रोल करता था. ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मॉडर्न और आईसीटी देखेंगे तो वहां देखेंगे कि वो ज्यादा लर्नर सेंटर्ड हो चुकी है. अब जो कंट्रोल है वो स्टूडेंट्स के हाथ में भी है. अब इसमें क्या होता था, ब्लैक बोर्ड पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता था, स्टूडेंट्स को कॉपी करते थे और टीचर इंश्योर करता था कि क्लास के माहौल को उसने कंट्रोल कर रखा हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो उसके क्लासरूम को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने के लिए. और इसमें वन वे ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो होता था ऑफकोर्स टीचर से बच्चों की तरफ. जो बोर्ड पर लिखा जाता था स्टूडेंट्स नोट्स बनाते थे, लेक्चर जब हो जाता था तो स्टूडेंट्स रिवाइज करते थे और मेमोराइज करते थे. अब चीज़ें क्या यूज होती थी, टेक्स्ट बुक्स और क्या हो गया, रिटन असाइनमेंट्स हो गए. और जो ऑब्जेक्टिव होता था ट्रेडिशनल टीचिंग का to just pass the examination. तो ये था ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. अब आ गए हम अपने मेन उसके ऊपर. अगर आपसे इनमें से कोई भी चीज पूछी जाती है तो याद रखिएगा ये सब ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. क्या, क्विकली देख लेते हैं. ब्लैक बोर्ड्स, टेक्स्ट बुक्स, मैप, एटलस, ग्लोब, फ्लैश कार्ड्स जिन पे कि कुछ लिखा होता है या साइन बना होता है एंड देन यू जस्ट शो इट टू स्टूडेंट्स और वो गेस करते हैं कि ये क्या चीज़ है एंड दे जस्ट लर्न इट विजुअल इम्पैक्ट से. साइंस लैब और उसके जितने भी अपरेटस होते थे वो सब ट्रेडिशनल टीचिंग में होते थे. क्रॉसवर्ड पजल्स क्विजेस भी तब थे. स्टोरी टेलिंग करना, बच्चों के साथ प्लेस खेलना, डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडियाज यूज करना, रेफरेंस बुक्स, लर्निंग टॉयज, अबैकस, चार्ट, पिक्चर्स, पोस्टर्स, इनमें से कुछ भी आता है तो ये सब क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट के एग्जाम्पल हैं. तो ये हो गया आपका फर्स्ट बाइफर्केशन. अच्छा, वी आर लेफ्ट विद वन मोर स्लाइड. मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लिखी है मैंने, चलिए देख लेते हैं. मेरिट्स क्या है, देखो बेटा ट्रेडिशनल मेथड की मेरिट ये है कि जो बच्चे स्कूल में सीखते थे वहाँ पे बच्चों और टीचर के बीच में मैक्सिमम इंट्रैक्शन होता था क्योंकि सब फेस टू फेस टीचिंग और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था. और क्या होता था इस सिस्टम में, क्या होता था, डिसिप्लिन मेंटेन होता था. वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स हैं या मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें क्योंकि टीचर हर टाइम प्रेजेंट नहीं होता, लर्नर सेंटर्ड होते हैं वो और लर्नर्स अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल लर्निंग करते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन का इशू हो जाता है. यहां पे क्योंकि टीचर आपके साथ उस क्लास में मौजूद है, स्टूडेंट्स आर बाउंड टू बी बिहेव इन अ डिसिप्लिन्ड वे और इसीलिए यहां पे ज्यादा डिसिप्लिन जो था वो फॉलो होता था. डीमेरिट्स क्या हो गई वही ट्रेडिशनल की, कि वहां पे ग्रुप लर्निंग और कोलैबोरेशन की कमी थी और एम्फेसिस सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड था, रिजल्ट्स पे था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिसे कि हम कंसेप्चुअल नॉलेज क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज या मैं बोलूं नॉलेज कंस्ट्रक्शन, उस पर ध्यान नहीं होता था, सिर्फ फीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी. द पर्पस वाज टू जस्ट लोड द स्टूडेंट्स विद द इंफॉर्मेशन. तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स थे. अब आते हैं मॉडर्न टीचिंग एड्स के ऊपर बेटा. मॉडर्न टीचिंग एड्स का मतलब ये है कि जो नए जमाने में टीचिंग का जो स्वरूप हो गया है, जो फॉर्म हो गई है, उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है. क्या आप टिपिकल काले बोर्ड वाले ब्लैक बोर्ड्स अब देखते हैं, नहीं. तो जो ये चेंज आया है वो है मॉडर्न टीचिंग एड्स. देखिए, जितना भी आप पढ़ाई कंप्यूटर से करते हैं, इंटरनेट सर्व करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, कंप्यूटर गेम्स, सारी ही नोटबुक्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया अब हो गई हैं ऑनलाइन. बच्चों के टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, बुक्स मिलती हैं आपको ऑनलाइन, टीचर के वीडियो टेप्स आते हैं आपको, ऑडियो वीडियो जिनको आप सुनते हो, पावर पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हो सामने, इस पर आपकी क्लास हो रही है. और क्या हो रहा है, DVDs, प्रोजेक्टर्स से आपकी क्लासेस हो रही हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं क्लास में, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं जिन पे आप टच करके चीज़ों को क्या कर सकते हो. तो इन तरीकों से जब हम क्लासरूम का जो हमारा रूप है, एक तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बदल चुका है. तो ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं, ये हो गए हमारे मॉडर्न टीचिंग एड्स, या फिर मैं इसको लिखूं कि अब क्या है ये, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को क्या है ये पोर्ट्रे कर रहे हैं मॉडर्न टीचिंग एड्स. और क्या बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं.
प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जहाँ पे हमें बच्चों की लर्निंग को इजी भी बनाना है, इंटरेक्टिव भी बनाना है, कंसेप्चुअल भी बनाना है। तो हम इन सारे ही एजेंडाज को अचीव करने के लिए जो मदद कर रही है हमें चीज़ें, वो हैं हमारे सपोर्ट सिस्टम का मॉडर्न रूप, जिसमें कि मॉडर्न टीचिंग के एड्स यूज होते हैं। अब क्या होते हैं वो सारे यही थे जो मैंने अभी बात की। टीचर माइक्रोफोन पे बोल सकता है, हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी मॉडर्न टीचिंग एड्स हैं। और क्या है, क्लासरूम टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज हो रही हैं। और क्या हो रहा है, असेसमेंट्स और फीडबैक्स भी आपको, आप देखते हैं बच्चों का फीडबैक, रिपोर्ट्स, होमवर्क व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो क्या है, ये सब मॉडर्न टीचिंग के ही मेथड्स हैं। तो ये एक कह सकते हो आप एक स्टेप फर्दर हुआ ट्रेडिशनल टीचिंग से। अब आते हैं हम आईसीटी। अब आईसीटी का मतलब आप सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो आईसीटी का मतलब ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके टीचिंग को कर रहे हैं, तो वो हो जाती है आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि जितने भी आपके ऑनलाइन लर्निंग के पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, MOOC है, edX है, Coursera है, ये सारे क्या हैं, ये ऑनलाइन लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फिजिकल डिस्टेंस, जो सेपरेशन है टीचर और बच्चों का, उसको ओवरकम करके, जेंडर बायसेस को ओवरकम करके, डेमोग्राफिकली दूर रह रहा है कोई बच्चा, शहर गांव का बच्चा है, उस डिस्टेंस को दूर करके क्या करा जा रहा है, आपको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। किसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो जो ये सारी चीजों को यूज कर रहे हो आप, इससे जो टीचिंग का स्वरूप बदला है वो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और इसी में वो सारे मेथड्स आते हैं जो मैं आपको बता रही थी। फ्लिप्ड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लेंडेड लर्निंग, ये सब क्या थे, इसमें क्या हो रहा था, कन्वेंशनल टीचिंग के साथ किसको मिलाया जा रहा था, आईसीटी को, टेक्नोलॉजी का यूज करके होमवर्क दिए जा रहे थे, असाइनमेंट दिए जा रहे थे, प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे, क्लास से पहले दिए जा रहे थे, अगले दिन क्लास में आके डिस्कस हो रहे थे। वर्चुअल लैब्स, आजकल कितनी ज्यादा वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सब की पढ़ाई हो रही है। आपको एक्चुअल में सीखना है कि किसी प्लैनेट पे क्या हो रहा है या किसी स्पेसशिप के अंदर क्या है, तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी लेबोरेटरीज, ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट एक्टिविटीज या स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, जहां पे आप उन चीजों को फील कर सकते हैं। इतनी बढ़िया लैब्स हैं वहां पे, क्या है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, इतनी ज्यादा अच्छी लाइब्रेरीज, आपके सारे रिसर्च के पोर्टल्स जो हैं वो क्या, कैसे कनेक्टेड है, आईसीटी के बेसिस पे। तो टीचिंग को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, लेकिन है क्या वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड, देख लेते हैं। Information and communication technology is an electronic means of capturing, processing, storing and communicating information. क्या कर रहे हैं हम इसमें, अपनी information जो हमें पढ़ाई में लगानी है उसको capture करने से लेकर, process से लेकर, store और finally present करने का तक का काम हम किससे कर रहे हैं, technology से। तो ये है आईसीटी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन। और फिर देखो क्या है, इट इज पॉसिबल टू रीच द स्टूडेंट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, किसकी मदद से, आईसीटी टीचिंग की मदद से। और क्या कर सकते हैं आप, आजकल देख रहे हैं आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स चेक हो रहे हैं, पेपर्स का एनालिसिस भी कंप्यूटर बेस्ड, CBTs यूज हो रही हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशंस हो रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए। ये टीचर्स वरना हाथ से चेक करता रहता है, कुछ लिमिटेड बच्चों तक ही कर पाता, आज लाखों बच्चों के एग्जाम्स में बैठते हैं, अपीयर करते हैं, एग्जाम में भी आईसीटी यूज हो रही है, इवैल्यूएशन में भी हो रही है, पेपर को कंडक्ट करने में भी हो रही है, पेपर देने में भी हो रही है, और चेकिंग में भी हो रही है, यहाँ तक कि रिजल्ट भी जो आप देख रहे हो, हर चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, आईसीटी बेस्ड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम मैं आपको बता चुकी हूँ, डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज, जितने भी एनालिटिकल स्किल्स और क्यूरियोसिटी वाली चीजें हैं वो सब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या हो सकती हैं, पॉसिबल। माइंड मैप, सेल्फ लर्निंग के इतने सारे टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, गेम्स, इतने सारे गेम्स, क्विजेज, इन सब की मदद से आप लर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप अभी मेरा लेक्चर, फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो अवेल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये सब कुछ, ये सब आईसीटी और मॉडर्न टीचिंग के एग्जाम्पल्स हैं, वर्चुअल लैब्स हैं, इसके अलावा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अलावा MOOC, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन
पॉपुलर आप जानते हैं सब MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं MOOC के वो सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल हैं मॉडर्न और ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स के। तो इस तरह से ये तीनों टॉपिक का मतलब मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। मेरिट्स डिमेरिट्स वही हैं जो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल के बीच में हमेशा टसल रही है, वही टसल नॉर्मल और अब के बीच में भी है। देख लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा इंट्रैक्शन और ज़्यादा कोलैबोरेशन की बात होती थी स्टूडेंट्स के पास, क्या था बहुत नहीं सॉरी हाँ स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं लेक्चर्स और चीज़ों को समझने के लिए, इतने सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और क्या होता है कम टाइम में जिसे आप ले सकते हो, इट सेव्स टाइम। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो बेस्ड टीचिंग है वो क्या है, इट सेव्स टाइम। बट ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स की हेल्थ इश्यूज, आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, और क्या हो रहा है, लेस इंटीग्रेशन, क्योंकि टीचर का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और प्रेजेंस नहीं है तो लेस इंट्रैक्शन है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी फायदे बहुत ज़्यादा हैं। फायदे कितने हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड है, लेस टाइम इनमें यूज हो रहा है, और क्या हो रहा है, देर इज नो गैप्स, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सब तक पहुंच रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बायसेस, और क्या है मल्टीपल कंटेंट्स। पहले क्या था, एक ही चीज़ है, एक ही क्लास है, एक ही टॉपिक है, अब क्या है आप मिनटों के अंदर मल्टीपल कंटेंट्स एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, मल्टीपल असाइनमेंट्स आपको भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज दिया, वीडियो भी भेज दिया, एक चार्ट बना के भेज दिया, एक असेसमेंट के लिए एक असाइनमेंट के लिए शीट भेज दी मैम ने, कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ विद जस्ट विद वन क्लिक इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एज वेल एज अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों को आप लर्निंग के लिए इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, एंड इस तरह से हमने जो ये आपका टॉपिक था आई एम श्योर ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एंड ICT मेथड्स, मॉडर्न जिस तरह से हमारा क्लासरूम इवॉल्व हुआ उसमें हम नई नई चीज़ें जितनी भी यूज़ कर रहे हैं, और ICT में जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे दूर दूर तक अपनी चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं, एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी का जो तीन प्रिंसिपल्स हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं MOOC के वो सब ICT का एग्जाम्पल्स हैं, फ्लिप लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम्स और मॉडर्न टीचिंग एड्स में जितनी भी डिजिटाइजेशन ऑफ क्लासरूम हुई है, क्या हुई है डिजिटाइजेशन ऑफ क्लासरूम, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें क्लासरूम में शामिल हुई हैं वो सब मॉडर्न टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम है, और ट्रेडिशनली जो चार्ट पेपर ग्लोब और क्या होता था ब्लैक बोर्ड और क्या हो गया लेसन हो गए टेक्स्ट बुक्स हो गई, ये सब क्या है ट्रेडिशनल टीचिंग के। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। So that was all for today's session. अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।